हेलो एंड वेलकम टू सिंपल स्टाइल कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ओल के चोखे की ये रेसिपी काफ़ी यूनिक और टेस्टी है और ये काफ़ी अलग है। ये एक बिहारी डिश है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप इसे राइस या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये झटपट सी बन जाने वाली ओल के चोखे की रेसिपी। सो लेट्स बिगिन। ओल का चोखा बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर 250 ग्राम ओल यानी कि जिमीकंद। इसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके ले लिया है क्योंकि ओल मिट्टी में होता है जिसके कारण इसका ऊपर का लेयर पे काफ़ी सारी मिट्टी जमा हो जाती है, इसीलिए मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और अब हम इसे छील कर तैयार कर लेंगे। तो मैं इसका आउटर लेयर एज वेल एज दोनों साइड के लेयर्स भी अच्छे तरीके से छील कर निकाल दूंगी। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से छील कर निकाल लिया है और अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कट करके रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कट करके रेडी कर लिए हैं और अब हम इसे बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कुकर, इसमें मैं ये ओल के टुकड़ों को डाल दूंगी। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 ग्लास पानी और अब हम इसका लिड बंद करके इसे गैस पर डालेंगे और इसे हम हाई फ्लेम में लगभग 2 सीटी आने तक बॉईल करेंगे। या नहीं तो आप तब तक बॉईल करें जब तक आपका जो ओल यानी कि जिमीकंद है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये लगी इसकी पहली सीटी और ये लगी इसकी दूसरी सीटी और अब हम इसका फ्लेम कर लेंगे बंद और इसे हम इसी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसका लिड खोलकर चेक करेंगे। तो ये देखिए ये ठंडा हो गया है और अब हम इसका लिड खोलेंगे और हम ओल को एक बार चेक करेंगे कि ये सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बटर नाइफ ले लिया है, आप चाहें तो चाकू की भी मदद ले सकते हैं। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है और अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जितना भी एक्सेस पानी इसके ऊपर लगा है वो नीचे निकल जाए और इसे हम इसी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसका चोखा बनाएंगे। तो ये देखिए ये कम्प्लीटली ठंडा हो गया है और अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। उसके बाद हम इसे एक फोक की मदद से अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो मैशर की भी मदद ले सकते हैं यानी तो हाथ से भी आप इसे अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मैश हो गया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बाकी के इन्ग्रीडियंट्स। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिर्चा की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा रख सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे एक नींबू का रस। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें इसका मेन इंग्रेडिएंट जो कि है राई। तो यहाँ पर मैंने राई ले लिया है, इसे बहुत कोई सरसों के दाने भी बोलते हैं। तो पीली वाली सरसों हमें इसमें नहीं यूज़ करना है, जो ब्राउन या ब्लैक कलर की होती है ना उसी का हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच राई का पेस्ट ले लिया है। तो इस पूरा पेस्ट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम इसमें बहुत ही कम अमाउंट का राई का इस्तेमाल करेंगे यानी कि आधी छोटी चम्मच ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये आधी छोटी चम्मच राई का पेस्ट ले लिया है, इसमें हम इसे डाल देंगे। राई का पेस्ट डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल। जी हाँ, आप इसमें सरसों का तेल का ही इस्तेमाल करें, कोई दूसरे तेल का इस्तेमाल ना करें। सरसों का तेल डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक चम्मच और ये गया ये दूसरा चम्मच। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच का इस्तेमाल किया है और उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये मिक्स हो गया है, पर मुझे इसमें थोड़ा सा तेल की क्वांटिटी कम लग रही है तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच और तेल डाल रही हूँ। तो टोटल मैंने यहाँ पर 3 चम्मच सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। मिक्स कर लेंगे इसे हम अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमारा ओल का चोखा बनकर तैयार है और अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये मिथिलांचल स्टाइल ओल का चोखा का रेसिपी पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।